मनोज, जरा जनता जो खड़ी है आपके साथ, अच्छी खासी भीड़ हम देख पा रहे हैं, एक बार बातचीत करें। जी बेशक, जिस तरीके से बात महिलाओं के सुरक्षा की, बात बेटियों की सुरक्षा की हो रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चेतावनी दे दी है मंचलों को कि अगर आपने गलती की तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी। इस समय हमारे साथ बलिया की बेटियां हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहना है आपका, क्या आप मानती है कि सरकार भी बीते सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मुंचले हैं, जो अक्सर दूसरों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनका इलाज क्या है? क्या सरकार माकूल इलाज करने के? ठीक है, प्रमोद के पास चलते हैं, अलीगढ़। आवाज थोड़ी सी यहाँ पर ब्रेक हो रही है, लेकिन अलीगढ़ प्रमोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बातचीत कीजिए और जरा अलीगढ़ की जो महिलाएं हैं आपके साथ, उनसे पूछिए कि वो कितने नंबर देती हैं इस सरकार को और पिछली सरकार को। देखिए, तमाम महिलाएं अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर अब योगी सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर आप कितने नंबर देती हैं और पुरानी सरकारों को कितने नंबर देंगी, यानी कितने नंबर दोगी योगी सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर आप? हम पूरे 100 में से और बस चले तो 105 दे देंगे, क्योंकि बच्चा पैदा होते से ही उपेक्षित थी महिला। लड़की हो गई तो समझ लो वज्रपात हो गया। तो बिल्कुल बाद फिर बिल्कुल, और लखनऊ चलते हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विवेक, जल्दी से एक बार जरा बातचीत करने की कोशिश करो और जरूर पूछे क्या अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो फेल होती है सरकार या फिर पास। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि अगर आप इस मामले में नंबर देंगे जो महिला सुरक्षा है और कानून व्यवस्था है, तो उसमें सरकार को कितने नंबर देंगे, फेल करेंगे या पास करेंगे? फेल करेंगे हम। फेल करेंगे जी। क्यों, ऐसी क्या वजह? ये यमराज की बात जरूर बताएं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे थोड़ी देर पहले, उदाहरण है, कल रात का एक उदाहरण ले लीजिए राजा जीपुरम का आप, तो इस वजह से मैं इसको फेल ही मानूंगा। तो आप तो फेल करें, कहीं से ये सरकार फेल नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी आप स्वयं देख रहे हैं, एक ने छेड़ा उसको क्या हास्य मिला। यही पूर्ववर्ती सरकारों के मुखिया और संगठन के मुखिया हमारी माँ बहनों के साथ उनकी इज्जत आबरू से खेला जाता था, बलात्कार होते थे। तो फेल या पास? उनके मुखिया कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, और ये कोई भी संगठन वाले उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर जो बहन बेटियों की इज्जत आप लोगों की उनकी सुरक्षा के लिए गारंटीबद्ध कार्रवाई करते हैं तो तकलीफ होती है लोगों। यानी आप पास कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? महिला आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें लमसम देश भर में 3800 कुछ केस महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए, जिसमें 2000 केस केवल उत्तर प्रदेश से हैं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं बताइए आप? हम तो फेल या पास? फेल कर रहे हैं बिल्कुल। फेल, आप क्या कह रहे हैं? ये जुमला है सर, यमराज ऊपर रहते हैं कि? हाँ बताइए। फिर देखिए, इन लोगों को राजनीतिक सुरसवार है, जिसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है उसे कितना आघात होता होगा, यह बिलीव करने का, विश्वास करने का विषय है कि अगर आपकी बहन बेटियों के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी होती है तो उस दिन उसके माता पिता भाई को लगता है कि क्यों न मेरा परिवार समूल नष्ट हो जाए। और अगर उसके खिलाफ योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं, ऐसे ही यानी इन्होंने भी पास कर दिया। बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई, और जैसा भाई ने बताया ये सच है कि पिछली सरकारों में जो मुखिया होते थे मुलायम सिंह यादव कहते थे कि गलतियां हो जाती लड़कों से, लेकिन आज जस्ट उसके विपरीत हो रहा है कि आज कार्रवाई तुरंत तुरंत होती है। अगर भाई ये कितनी बड़ी घटना है, अगर हमारी बच्चियां पढ़ने जाती है उनका दुपट्टा खींचा जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आप भी युवा हैं, आप क्या मानते हैं, सरकार फेल या पास कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मामले में? देखिए, जिस तरह की घटना अम्बेडकर नगर में हुआ और जिस तरीके की घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम किया गया, वो कार्यक्रम एकदम स्पष्ट करता है कि माननीय योगी जी ने किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई के जो निर्देश दिए, और पुलिस भी खूबहू ऐसे अपराधियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रही है। यानी पुलिस जो सख्ती बरत रही है वो आपको लगता है सही है? बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ माननीय योगी जी ने हमारे जो कहा है कि अगले चौराहे पे अमराज मिल जाएंगे, बिल्कुल हो रहा है ऐसे। पिछले 6-7 सालों से, इससे पहले की सरकारों में भी लोगों ने देखा है कि महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार होता था, क्या सुरक्षा, और आपकी सरकार में क्या है, महिला 100% सुरक्षित है, वो 12 बजे रात में भी अब सुरक्षा अकेले घर जा सकते। ये बात तो इन्होंने सही कही, महिला सुरक्षित है, ये महिला सुरक्षित है, महिलाएं भी थी हमारे साथ। नहीं, इन्होंने बताया पुलिस की वजह से महिला सुरक्षित है, महिला
पुलिस ही नहीं सुरक्षित है, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अभी आपने ट्रेन में बलात्कार हुआ है, महिला थी यही, अभी क्या बोलते हैं मेडिकल, बलात्कार नहीं हुआ है उस महिला से, पता नहीं। अब हम लोग को जो न्यूज आई है वो मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ भी बनवाई जा सकती है ना, सरकार जिसकी है वो कुछ भी करवा सकता है, स्पष्ट है। तो महिला सुरक्षा को आप मानते हैं ना? महिला सुरक्षा योगी जी की प्राथमिकता है और यह देश के सम्मान का विषय है। अगर योगी जी उस पर मजबूती से कार्य कर रहे हैं तो हम देशवासियों को उनके साथ एकदम मजबूती से लगे रहना चाहिए। आप भी फेल पास बता दें कि फेल या पास सरकार? सरकार मेरे हिसाब से तो पास है भैया, फेल होने वाला कोई मुद्दे हो तो उन पे बताइए, उन पे चर्चा हो विधवत। फेल या पास? सरकार पास है। पहले सरकार जब उनके मुखिया कहते थे बच्चे हैं गलती हो जाती है, लेकिन जब से माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ योगी सरकार आई है वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और संदेश भी देते हैं अगर गलत करोगे तो अगले चौथे यमजाज इंतजार कर रहे हैं। अभी बहन बेटियां हमारी 12 बजे रात निकलने के लिए सच्चा में निकलती है, खुशी है। पहले सरकार में जो बहन बेटियां पढ़ना जाती आगे वो जाती, डर लगता था, जाती घर से बाहर नहीं निकलती थी। जो सरकार पास है 101% पास है। यहाँ ज्यादातर लोग पक्ष में हैं कि सरकार सफल है, फेल। भैया ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ब्रजभूषण जी का मुद्दा देखिए छेड़ दिया है, उसका क्या हुआ, क्या हुआ आज तक? आप इन लोगों से पूछ लीजिए क्या हुआ आज तक। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट बोल दिया है ना, कुछ यमराज तो छोड़िए, अरे उनको क्या बोलते हैं, एक तो हवलदार नहीं मिला है, यमराज की तो बात छोड़ दीजिए, दिल्ली पुलिस ने बोला है। अब आप सवाल उठ रहे हैं, इन्होंने जो कहा वो आप समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ब्रजभूषण जी का मुद्दा उठा। देखिए व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, आप किसी व्यक्ति विशेष पर जाके टिप्पणी करेंगे, विशेष को छोड़ दें, सामान्य आम पब्लिक पे, हम आम पब्लिक हैं, आप किसी अन्य पब्लिक पर जाइए। आप हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी बलिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज एक बार बातचीत कीजिए, पहले आवाज साफ नहीं आ रही थी, एक बार कोशिश कीजिए कि आवाज पहुंच पाए, बातचीत कीजिए। हम जो बलिया की जनता यहाँ पर खड़ी है, हम उससे बात करेंगे। क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने महिला सुरक्षा को लेकर जो प्रयास किए हैं उसने आपसे फेल करेंगे कौन कहेंगे? योगी राज तो रावण राज से भी बदतर स्थिति में है, रावण राज में कम से कम महिलाएं सुरक्षित, माता सीता को सुरक्षित थी। यहाँ पे जो आर एस एस कैंप से निकले हुए मंजिले अम्बेडकर नगर नए सड़क के गिरते हमारी सरकार ने 10 मिनट पे काम किया, इन्होंने एंटी रोमियो टीम का गठन किया था पूरी तरह से, तो इनकी सरकार ने ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है और ना ही जनता सुरक्षित है। इनका कहना है कि योगी सरकार जो है फेल है महिला सुरक्षा को लेकर, आपका क्या कहना? समाजवादी पार्टी के लोग सुरक्षा की बात करेंगे, जिनके मुखिया जिन्होंने अपने से यह बयान दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है, जब एक सबसे बड़ा आला अधिकारी अगर इस तरीके का बयान देता है, मुझे गर्व है योगी आदित्यनाथ महाराज जी पे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा कायम किया है। आज पीपीआर रात को 10 बजे भी 12 बजे भी चलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और अभी जिस तरीके से बयान आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आया है कि मंचले अपने आप को सुरक्षित कर लेने तो अपने चौराहे पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और मैं इसके लिए बलिया की जनता की तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चौराहे पे अगर उनकी कुछ नियत गलत है तो निश्चित है कि आपके चौराहे पे उनको गोली भी मिल सकती है, वो लाश में भी तब्दील हो सकते हैं। मनोज आएंगे, दोबारा आएंगे। हमारे साथ आकाश शर्मा मुरादाबाद से हैं, आकाश आपके साथ जो महिलाएं खड़ी उनसे एक बार बातचीत करें जल्दी से। जी देखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात, संपर्क का टूट रहा है, दोबारा आएंगे हम आकाश आपके पास। प्रमोद के पास चलते हैं, उनके साथ भी अलीगढ़ की जो महिलाएं हैं, जो आम जनता है वो वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। आप प्रमोद जरा एक बार बात कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए तमाम महिलाएं बातचीत करेंगे, ये बताइए योगी जी की सरकार में महिलाएं कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, आज घर से बाहर निकलने में किसी बात की भी कोई डर नहीं है, समाज का घर का सबका नजरिया बहुत बदला है, आज हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो औरतें आज पीछे नहीं है, अपनी शिकायत जाके कहती हैं सरकार के सामने, और उसके लिए जो है सही समय पर सही वो उठाया जाता है कदम। और भी महिलाएं इनसे भी जानेंगे, बताइए क्या कहेंगी आप योगी जी की सरकार पुरानी सरकारों में और इसमें क्या फर्क है महिलाओं को लेकर? बहुत फर्क है पुरानी सरकार पर, सही सरकार में मोदी जी आगे काफी महिलाओं को बढ़ा रखा है, आगे हम आगे जाती हैं टिकरी में 10-10 11-11 बजे जाती हैं, अकेले आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
एक महिला और है, इनसे भी जान लें, ये बताइए क्या कहेंगी सुरक्षा को लेकर महिलाओं? पहली बात तो सर ये अच्छा लगता है कि कोई ये नहीं कहता है बेटी बेटा में क्या फर्क है, बेटी बेटा बराबर है। पहले ये कहती थी लड़की का क्या है, अब तो सरकार में ये हो गया है कि हिस्सा बाप और बेटियों को मायके से भी हिस्सा मिले। कानून सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, जो लड़कियों के साथ पहले छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, अब उसमें क्या चेंज? अब कुछ नहीं हो रहा, अब तो बहुत अच्छा रहता है, पहले बहुत डर लगता था। ठीक है, प्रमोद रही आप हमारे साथ, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके साथ तमाम लोग हैं विधानसभा के सामने वो मौजूद हैं। विवेक एक आखिर में जल्दी से सबसे एक बार बातचीत करें और जानने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर जो योगी जी ने कहा और महिला सुरक्षा के जो आपने उदाहरण दिए तमाम, और अब वर्तमान स्थिति क्या लग रही है, क्या ये कोई चुनावी स्टंट है या फिर वाकई में कोई? बिल्कुल, ये जुमला है और चुनावी स्टंट ही कहेंगे इसको, पूरी तरीके से जुमला है। कुछ दिन बाद जब कोई बीजेपी का नेता, युवा मोर्चा का नेता, जब उससे कुछ इस टाइप के कांड हो जाएंगे तब समझ में आ जाएगा आम जनता को कि कहाँ हमराज मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं। बताइए क्या कहेंगे आप? हम समझ नहीं पाए हैं भाई ने क्या कहा है, वही मुद्दा चल रहा है महिला सुरक्षा। मैं तो बाद में आया था, आप बताइए। देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा महिला सुरक्षा को लेके कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, योगी सरकार अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, इसी हजरगंज चौराहे पे पुलिस के बड़े अधिकारी को समाजवादी पार्टी के गुंडे अपनी बोनट पे टांग कर लेके जाया करते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि महिला भी सुरक्षित, व्यापारी भी सुरक्षित, युवा भी सुरक्षित, और आपका आने वाला जो भविष्य है वो भी सुरक्षित। बिल्कुल, आम जनमानस का बहुत शुक्रिया, मनोज आपका शुक्रिया, आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम सहयोगों का हमारा तमाम शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो जनता है वो यहाँ पर अपनी राय दे रही थी कि आखिर कितनी सुधरी है और कितनी नहीं सुधरी है, नंबर दे रही थी कि इस सरकार में कितने नंबर देने चाहिए या फिर पिछली सरकार के कितने नंबर बनते हैं।